तीसरी के निवर्तमान थाना प्रभारी प्रदीप कुमार और सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु पड़िहारी के स्थानांतरण व नए थाना प्रभारी संजय नायक के आगमन के अवसर पर तीसरी थाना परिसर में शनिवार को विदाई सह स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पुलिस इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिंह, रणवीर कुमार, जीप सदस्य राम कुमार राउत, उप प्रमुख बैजू मरांडी, तीसरी के मुखिया किशोरी साव, कुणाल सिंह, बलबीर यादव, संतोष सिंह समेत कई पुलिसकर्मी उपस्थित थे। मौके पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों और पुलिसकर्मियों ने स्थानांतरित दोनों पुलिस पदाधिकारियों का शॉल ओढ़ाकर उनका अभिवादन किया, साथ ही दोनों को बुके व कई उपहार भेंट किया गया। वहीं नए थाना प्रभारी संजय नायक का भी बुके और उपहार देकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मौके पर राम कुमार राउत ने कहा कि दोनों ही पुलिस पदाधिकारियों का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा, किसी भी मामले में इन्होंने तत्परता दिखाते हुए फौरन एक्शन लिया है। वहीं मुखिया किशोरी साव ने कहा कि दोनों ही पदाधिकारियों ने बेहतर कार्य किया है, जनप्रतिनिधियों के प्रति भी इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा रहा है, इन्होंने हमेशा ही जनप्रतिनिधियों को सहयोग किया है। वहीं भाजपा नेता कुणाल सिंह ने कहा कि दोनों पदाधिकारी की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, जब भी जरूरत पड़ी इन दोनों ने हमेशा सहयोग दिया है और सबसे बड़ी बात है इनका व्यवहार सबों के प्रति आदरणीय ही रहा है। वहीं थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने कहा कि यहाँ के लोगों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से 11 माह का कार्यकाल कैसे बीता पता ही नहीं चला। उन्होंने कहा कि सरकारी विभाग में आना जाना लगा रहता है, तीसरी में बिताए हुए पल हमेशा यादगार रहेंगे। वहीं SI अभिमन्यु पड़िहारी ने कहा कि स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों के सहयोग और थाना प्रभारी के नेतृत्व में कार्य करते हुए लगभग 2 वर्ष का समय कैसे बीता पता ही नहीं चला, यहाँ का कार्यकाल सदैव याद रहेगा। वहीं नवनियुक्त थाना प्रभारी संजय नायक ने कहा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी, साथ ही उन्होंने अपना संपर्क नंबर साझा करते हुए जनप्रतिनिधियों व लोगों से सहयोग की अपील की। समारोह में मनोज कुमार, ASI संजय टुडू, KS मुंडा, कुलेश्वर राम, मंटू कुमार, नीरज सिंह, अनिल यादव, मनीष दास, राहुल यादव, सागर कुमार समेत कई लोग उपस्थित थे। कोई भी केस अगर थाना आता था तो सबसे पहले हम लोग को ही कहते थे कि आप लोग अगर जहाँ तक हो पंचायत करके निपटा दीजिए, वही अच्छा रहेगा। केस करने से बढ़िया है कि यहाँ यहीं पर आप लोग इसको सब निपटारा कर लीजिए। और इनका सुझाव हमेशा रहा कि ताकि कोई गरीब इस आदमी यहाँ से आगे केस उसका नहीं जाए, जितना हो समस्या यहीं पर कर। और हम लोग जहाँ तक मदद हुआ, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हम लोग हर व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध बना के रखे और ये भी बना के रखे ताकि कोई गरीब आदमी को पीड़ा नहीं सहन नहीं करे, इसलिए उस पीड़ा से दूर रहे। और हमारे इंस्पेक्टर साहब का भी बहुत अच्छा जब तक ही रहे, जो भी केस था करीब करीब हम लोग जो कहे यहीं से ही निपटारा करते गए, जिसमें हम लोग बैठे थे करीब करीब 100% केस यहीं निपटारा करने का काम किए। बलिहारी जी का भी इनका भी बहुत अच्छा रहा, यहाँ करीब लगभग 3.5 वर्ष ये भी यहाँ समय अपना दिए और बहुत अच्छा इनका भी कार्यक्रम रहा, इसलिए हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं कि जहाँ भी आप लोग जा रहे हैं वहाँ भी इसी प्रकार का कार्य करके लोगों का मन जीतने का काम करें, ताकि मनुष्य का जो सेवा करता है उसको बहुत बड़ा फल मिलता है। मैंने बिना हिचकिचाहट के, बिना झिझक के इनसे सलाह ले सकता था, एक माहौल बढ़िया बना हुआ था कि हम लोगों तक कोई भी कार्य को आसानी से पहुंचा पा रहे थे, और जो भी कहीं परेशानी होता था थाना से हम लोग को परिवार जैसा सहयोग मिलता था। रात के 12 बजे भी मैंने मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, 11 बजे 12 बजे भी रात को कोई अगर घटना हो गया फोन किए तो तुरंत हम लोग को सहयोग मिला। यही सब कार्यकाल का जो आपका उपलब्धि है सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भी जाए भविष्य में जो पहचान जो अपना